जैसा आप लोगों ने अभी डॉक्टर विशाल जी से सुना और उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, बहुत अच्छा लगता है। ये खुद भी आपने जैसे सुना, खुद भी ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं, ना कि सिर्फ नेशनल लेवल के बल्कि इंटरनेशनल लेवल के। और आप लोग सभी जानते हैं कि चेस भी एक जो है वो स्पोर्ट है, बहुत अच्छी स्पोर्ट है, जिसमें हमारा जो देश है पहले से ही काफ़ी एडवांस है चेस में। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे हिंदुस्तान से भी निकले हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि हमारा मुल्क जो है, हमारा देश जो है, इस वक्त काफ़ी कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ से अच्छे अच्छे प्लेयर निकले और इंटरनेशनल लेवल पे आप हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन करें, दूर तक पहुँचाएँ। उसके लिए भारत सरकार की तरफ से आप लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो बनाया गया, जिसको खेलो इंडिया के नाम, खेलो इंडिया का नाम दिया। और उसके अंतर्गत खेलो इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है स्कूलों को दिए जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों के जैसे आप सामने भी देख रहे हैं, ये भी एक वॉलीबॉल का फील्ड जो है वो मैं तो चाहता था कि इंटरनेशनल लेवल का बने, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये नेशनल लेवल का जो है वो ये अच्छा फील्ड यहाँ पर बने वॉलीबॉल के लिए। इसी तरह से बाकी स्कूलों में भी खेलो इंडिया की तरफ से अच्छे ग्राउंड्स, और हर स्कूल में कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के हर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, ताकि आप लोगों के अंदर जो टैलेंट, खासकर हमारे जो इस पहाड़ी इलाके में भरपूर है, ये यहाँ पर जो है वो मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है बहुत है, उसको सिर्फ जो है वो दिशा देने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर इस पे और ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से भी हमारे इन बच्चों के अंदर और बच्चों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन निकलेंगे, और जो है वो आगे जाके हमारे देश का नाम जो है वो रोशन करेंगे, देश ही का नहीं बल्कि हमारी स्टेट का और हमारे इस इलाके का नाम भी रोशन करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि अभी हमारा एक और जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो इम्प्लीमेंट होने जा रही है 2022 से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और उसमें भी इन एक्टिविटीज़ जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उन पे खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों का स्पोर्ट्स है, कल्चर है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और आपने सुना होगा कि हमारे बनी इलाके से इस बार भी कल्चरल टीम ने जो है वो पहली बार यहाँ से रिप्रेजेंट किया, और वो जो है वो कला केंद्र जो वहाँ जम्मू में है वहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और उसमें हमारा एक बच्चा सेलेक्ट हुआ यूटी लेवल पे, वो अब नेशनल लेवल पे जो है वो कम्पीट करेगा, वो यहाँ का जो है वो बच्चा सेलेक्ट हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि आगे भी आने वाले वक्त में हमारे कल्चर को, यहाँ का जो बनी का कल्चर है, इसको और आगे जाके आप लोग जो है वो रिप्रेजेंट करें और इस इलाके का नाम भी आगे जो है ले जाए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इसलिए जोर दिया जा रहा है कि आप लोग सिर्फ इसी यहीं तक सीमित न रहे। जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बोला कि आप लोग कल जो है अगर आप नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर आपको कितना जो है वो अवार्ड मिलता है, आपको आके सीधा जो है वो नौकरी भी मिलती है, डायरेक्ट आप डी